हेलो प्रोग्रामर्स, आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ मैं मेरे चैनल तरुण सर पर। इस वीडियो से हम लोग एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप लोग लर्न करेंगे पीएचपी को। मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा पीएचपी के कॉन्सेप्ट्स को एंड एकदम एंड तक लेके जाएंगे यहाँ जहाँ तक कि आप एक डायनेमिक वेबसाइट डेवलप कर सकें इजीली। सो गाइज, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग सिर्फ थ्योरी देखेंगे और प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप वीडियो को पहले पूरा वॉच करें या फिर आप जहाँ पे भी पॉज करना चाहें पॉज करें और जो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने का काम है उसे मेरे साथ साथ एग्जीक्यूट करें, या पूरा देख करके जो मैंने आपको सिखाया है उसे आप लोग एग्जीक्यूट करें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पीएचपी है क्या, किसने बनाई थी, पीएचपी का एक्सटेंशन वगैरह क्या होता है, ये सब चीज़ें। सो पीएचपी स्टैंड्स फॉर प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट। पीएचपी बेसिकली एक रिकर्सिव एक्रोनिम या शॉर्ट फॉर्म है प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट का। कुछ लोग इसकी शॉर्ट फॉर्म जो फुल फॉर्म जो है वो पर्सनल होम पेज भी बताते हैं। रेसमस लैडॉर्फ क्रिएटेड द फर्स्ट वर्जन ऑफ पीएचपी इन 1994। रेसमस लैडॉर्फ नाम के कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामर ने बेसिकली फर्स्ट वर्जन बनाया था पीएचपी का 1994। इट इज सर्वर साइड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये बेसिकली सर्वर पर एग्जीक्यूट होने वाली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पीएचपी इज लूजली टाइप लैंग्वेज, इट मीन्स वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू इन वेरिएबल्स। पीएचपी एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, इसका मतलब ये है कि हम वेरिएबल का कोई फिक्स डेटा टाइप यहाँ पे नहीं होता है, किसी भी तरह की वैल्यू उसमें स्टोर करा सकते हैं। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है सी सी प्लस वगैरह का, उन्हें पता है कि वेरिएबल्स को हम जिस डेटा टाइप से बनाते हैं उसी टाइप की वैल्यू हमें पीएचपी में स्टोर करनी होती है, सॉरी उसी टाइप की वैल्यू हमें सी सी प्लस प्लस में उस वेरिएबल में डालनी होती है। बट पीएचपी में ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम वेरिएबल में किसी भी तरह की वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। डोंट वरी, अगर आपको अभी टाइप्स वगैरह के बारे में पता नहीं है, वेरिएबल के बारे में पता नहीं है, हम लोग आगे लर्न करेंगे। मैं जो नेक्स्ट वीडियोज़ डालूंगा उनमें आप लोग सीख पाएंगे कि टाइप का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या है। पीएचपी इज केस इनसेंसिटिव फॉर फंक्शन नेम्स एंड केस सेंसिटिव फॉर वेरिएबल नेम्स। पीएचपी फंक्शन के नाम के मामले में केस इनसेंसिटिव है, यानी फंक्शन के नेम को हम स्मॉल या कैपिटल कैसे भी लिख सकते हैं, अगर स्मॉल में भी हमने नाम दिया है फंक्शन को तो उसे हम कैपिटल में यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट वेरिएबल नेम्स के लिए केस सेंसिटिव है, अगर स्मॉल में हमने स्पेलिंग लिखी है वेरिएबल के नाम की तो हमें उसे स्मॉल में ही यूज़ करना होगा हमेशा, कैपिटल में यूज़ करेंगे तो आइडेंटिफाई नहीं करेगा। ए पी एच पी फाइल हैव डॉट पी एच पी एक्सटेंशन। पी एच पी की फाइल्स का एक्सटेंशन डॉट पी एच पी होगा, जैसे आप लोग एच टी एम एल की फाइल्स बनाते हैं डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन होता है, सी प्रोग्रामिंग की फाइल्स में डॉट सी एक्सटेंशन होता है, उसी तरह से पी एच पी फाइल का एक्सटेंशन हमेशा डॉट पी एच पी होगा। ए पी एच पी फाइल कैन कंटेन एच टी एम एल सी एस एस एंड जे एस कोड। पी एच पी की फाइल में एच टी एम एल सी एस एस और जे एस का कोड हम रख सकते हैं। द पी एच पी फाइल इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू द ब्राउजर एज प्लेन एच टी एम एल। पी एच पी की फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें वेब सर्वर की और ब्राउजर की दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ब्राउजर के थ्रू हम फाइल एग्जीक्यूशन की रिक्वेस्ट सर्वर को देंगे, सर्वर उस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा और रिजल्ट की फॉर्म में प्लेन एच टी एम एल रिटर्न करके ब्राउजर के पास आएगा, जिसे ब्राउजर एग्जीक्यूट कर देता है। इवन पी एच पी अलाउज अस टू गेट आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ पी डी एफ एंड फ्लैश। ना केवल एच टी एम एल आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं पी एच पी से, बल्कि हम लोग पी डी एफ फाइल्स वगैरह या फ्लैश फाइल्स वगैरह भी इससे जनरेट करवा सकते हैं। वी कैन जनरेट डायनामिक पेज कंटेंट यूजिंग पी एच पी। डायनामिक कंटेंट का मतलब होता है जो कंटेंट चेंज होता हो, तो हम पी एच पी से ऐसा पेजेस जनरेट कर सकते हैं जो अलग अलग टाइप ऑफ यूजर्स के आधार पर, अलग अलग टाइम के आधार पर अलग अलग टाइप का डेटा जनरेट कर रहे हो या जिनमें डेटा जो है वो चेंज हो रहा हो। वी कैन राइट डेटा ऑन फाइल्स ऑन सर्वर एंड वी कैन ऑल्सो रीड डेटा फ्रॉम फाइल्स स्टोर्ड ऑन द सर्वर यूजिंग पी एच पी। पी एच पी की मदद से हम सर्वर पर फाइल्स में डेटा स्टोर करवा सकते हैं या सर्वर पर जो फाइल्स स्टोर्ड है उनका डेटा रीड करके हमारे वेब पेज में भी शो कर सकते हैं। पी एच पी अलाउज अस टू स्टोर डेटा इन डेटा बेस। पी एच पी की हेल्प से हम डेटा बेस में डेटा स्टोर कर सकते हैं। इट ऑल्सो अलाउज अस टू रीड एंड मैनिपुलेट डेटा इन डी बी। ये हमें ये भी फैसिलिटी देती है कि जो डेटा बेस में हमारा डेटा पड़ा है उसे हम रीड करें या अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकें। नाउ हम ये देखते हैं कि किन किन सॉफ्टवेयर्स की हमें रिक्वायरमेंट रहती है बेसिकली पीएचपी के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए एंड उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए। टू राइट पीएचपी कोड वी कैन यूज एनी टेक्स्ट एडिटर। पर्सनली
आई यूज सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। सो गाइज, बेसिकली आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, ड्रीम वीवर, जो भी आप एडिटर यूज करना चाहें उसका यूज कर सकते हैं, फील फ्री। मैं जो यूज करता हूँ वो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है। सबलाइम को आप लोग चाहें तो गूगल पर सर्च करें सीधा सबलाइम टेक्स्ट, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आप डाउनलोड लिंक पे क्लिक करें, यहाँ से आप अप्रोप्रिएट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग डाउनलोड करें किसे सबलाइम को। देन जो इसकी सेटअप फाइल आएगी उस पर डबल क्लिक करके आप सेटअप स्टार्ट करें, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लें। जब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा तो आप अपने सिस्टम में सर्च कर सकते हैं सबलाइम को। ठीक है गाइज, नाउ ये तो हुई एडिटर की बात। वी ऑल्सो रिक्वायर पीएचपी कॉमा वेब सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर। तो हमें पीएचपी को भी इंस्टॉल करना होगा पीएचपी फाइल्स के लिए, रन कराने के लिए उन्हें। वेब सर्वर की हमें रिक्वायरमेंट होगी, और जब हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे तो डेटाबेस सर्वर की भी रिक्वायरमेंट होगी। आप लोग चाहें तो इन्हें अलग अलग डाउनलोड कर सकते हैं। आई रिकमेंड यूजिंग XAMPP विच इंक्लूड पीएचपी, अपाचे वेब सर्वर एंड MySQL एज ए डीबी सर्वर। मैं जो यूज करता हूँ वो XAMPP सर्वर है जिसके अंदर पीएचपी भी आती है, अपाचे वेब सर्वर आता है, अपाचे एक वेब सर्वर है जिसके थ्रू हम पीएचपी फाइल्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं, एंड साथ में MySQL एज ए डेटाबेस सर्वर आ जाता है हमारे पास। वी कैन यूज एनी ब्राउजर टू सेंड रिक्वेस्ट टू एग्जीक्यूट पीएचपी फाइल टू वेब सर्वर। सो पीएचपी, अपाचे वेब सर्वर, MySQL सर्वर के बाद में हमें ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होगी पीएचपी फाइल्स के एग्जीक्यूशन की रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड करने के लिए। सो आप किसी भी ब्राउजर का, लाइक अगर आपके पास में एज है, ओपेरा है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं कंफर्टेबली आप उसे यूज करें, कोई इशू नहीं है। XAMPP अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये लिंक दिया हुआ है https://www.apachefriends.org/download.html, या आप डायरेक्टली डाउनलोड करने के लिए अपना क्रोम या जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं XAMPP सर्च करें। यहाँ पे apachefriends.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका डाउनलोड पेज है। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप जो डाउनलोड वर्जन है इसका वो सेलेक्ट करें और उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अलग अलग वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए दिखा रहा है, XAMPP लिनक्स के लिए, XAMPP OSX के लिए। ठीक है गाइज, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड लिंक स्टार्ट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपकी फाइल डाउनलोड हुई है, लाइक मैंने डाउनलोड कर रखा है, मेरे पास डी ड्राइव में मैंने स्टोर करके रखा है इसे डाउनलोड करके। ओके, सो ये इस तरह की फाइल होगी जिस पे राइट क्लिक करके आप सेटअप जो है वो चलाएं। ओके, आप इसको यस करें। मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है, मैं पूरा सेटअप नहीं चलाऊंगा, सिर्फ आपको इनिशियल स्टेप ही शो कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये टाइम लेगा आपके प्रोसेसर रैम वगैरह की कैपेसिटी के आधार पे। इस तरह का आपको बिटनामी का लोगो दिखाएगा ये एक, ओके करना है वार्निंग को, नेक्स्ट करना है, उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है। देन सिंपली आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है, मेरे सी ड्राइव में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये मुझे दिखाएगा दिस फोल्डर इज नॉट एम्प्टी, प्लीज सेलेक्ट ए डिफरेंट फोल्डर। तो आप कोई भी लोकेशन सेलेक्ट करें, उसके बाद नेक्स्ट 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 करते हैं जाएं, कुछ भी नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा स्पेशल स्टेप नहीं आएगा इसमें। अभी जब ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, मैं अभी इसको अबॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये। जब ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा, लाइक बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है, आपने अगर चेंज करेगा तो उस ड्राइव में देखें रिस्पेक्टिव, तो सी ड्राइव में XAMPP नाम का फोल्डर बन जाएगा, या जहाँ पे भी आपने जिस लोकेशन पे डाला था उसमें एक htdocs नाम का फोल्डर बनेगा। ये htdocs फोल्डर जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में हमें सारी html सॉरी php फाइल्स को स्टोर करना होगा बेसिकली। ठीक है गाइज, सो उसके बाद में आता है हमारे पास बेसिक सिंटैक्स फॉर पीएचपी। पीएचपी का जो कोड है हमेशा लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन के बीच में लिखा जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे अगर आपने पीएचपी और क्वेश्चन मार्क के बीच में स्पेस दे दिया तो आपकी फाइल प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं होगी। नाउ पीएचपी में हम इको या प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से कोई भी डेटा जो है स्क्रीन पे आउटपुट करवा सकते हैं। इको या प्रिंट दोनों में से कोई भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आइए मैं सबसे पहले तो फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे।
मैंने यहाँ एक न्यू फोल्डर बना दिया, YT बैच में नाम दे रहा हूँ इसको, जो YouTube पे मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ उसकी सारी फाइल्स मैं इसी में सेव करता रहूँगा। नाउ ये हमारा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ आप लोगों ने क्या करना है, मैंने पहले से ऐड किया हुआ है, इसको मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर देते हैं फोल्डर। डिलीट की बजाय एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे रिमूव फोल्डर फ्रॉम प्रोजेक्ट कर दिया मैंने। आप लोगों को यहाँ लाना है, तो आप ये जो फोल्डर बनाया हुआ है आपका, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें सबलाइम के अंदर, ये फोल्डर आ जाएगा। यहाँ क्यों ला रहा हूँ मैं इस फोल्डर को, इसलिए ला रहा हूँ ताकि मुझे बार बार सेव वाली लोकेशन चेंज ना करनी पड़े। इस YT बैच में हमेशा सेव करना चाह रहा हूँ, तो राइट क्लिक करना है, न्यू फाइल, कंट्रोल एस दबाना है आपको, सेव करना है। इसको नाम दे दिया इंडेक्स डॉट पी एच पी। मैं इंडेक्स डॉट पी एच पी नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वेब सर्वर किसी भी फोल्डर का नाम जब हम देते हैं ब्राउजर को, तो उसमें पड़ी हुई इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ पहले मैं एच टी एम एल कोड बना लेता हूँ सिंपल। आपको लिखना है एच टी एम एल, टैब प्रेस करना है, एच टी एम एल का कोड बन गया। टाइटल मैंने दे दिया यहाँ पे फर्स्ट पी एच पी फाइल, फाइन। नाउ यहाँ पे मेरे को पी एच पी का ब्लॉग बनाना है, तो बॉडी में आके सिंपली लिखा मैंने पी एच पी, टैब दबा दिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा बॉडी के अंदर ही होगा पी एच पी, बॉडी से पहले भी हो सकता है, बॉडी के बाद भी हो सकता है, हेड के अंदर भी हो सकता है, टाइटल में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। बट अभी हम सिंपली एक सिंपल फाइल बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद मुझे लिखना है इको, एंड मैंने यहाँ पे फर्स्ट एक पैराग्राफ टैग बना दिया। इस पैराग्राफ टैग में मैंने लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट पी एच पी फाइल, एंड यहाँ लगाना है हमें सेमी कॉलन। इसको हमने सेव कर दिया। अब देखिए मैंने जो फोल्डर बनाया था वाई टी बैच, नया फोल्डर बनाया था, इसको हम ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे इंडेक्स डॉट पी एच पी एड हो गई क्योंकि हमने सबलाइम में डायरेक्टली ये फोल्डर खोला हुआ था, उसी में हमने फाइल क्रिएट करी। अब इसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ब्राउजर खोलना है। यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट स्लैश, लोकल होस्ट हमारे सर्वर का नाम है, जो अपाचे वेब सर्वर है उसको एक्टिव करेगा लोकल होस्ट से, फाइन। नाउ स्लैश लगा करके हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है हमारे उस फोल्डर का नाम जिसमें हमने फाइल को स्टोर किया था। तो वाई टी बैच में डाला था हमने, एंटर प्रेस किया, ओके सॉरी, जो वेब सर्वर है उसको मैंने स्टार्ट नहीं किया है, तो ये दिखा रहा है दिस साइट कांट बी रीच्ड। जैम जो हमारा इंस्टॉल हुआ है उसको स्टार्ट करने के लिए हमने सर्च किया जैम, जैम कंट्रोल पैनल आ गया। ये यहाँ अपाचे को हमने स्टार्ट करा डायरेक्टली, ये सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए स्टेटस चेंज डिटेक्टेड रनिंग आ रहा है और अपाचे जो है वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो गया है यहाँ पे। नाउ मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, सो दिस इज माई फर्स्ट पी एच पी फाइल, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। चेंज करके देखते हैं, एक और यहाँ पे पैराग्राफ बना देते हैं, आई स्टार्टेड लर्निंग पी एच पी। नाउ इस पेज को यहाँ से रीलोड कर लेते हैं, ग्रेट, ये आउटपुट में आ गया हमारे। मैंने ये बताया था पी एच पी में फंक्शन नेम केस इनसेंसिटिव होते हैं, तो मैंने इको का ओ कैपिटल कर दिया। देखते हैं रन होता है नहीं होता है, सही बताया गलत बताया, आराम से रन हो रहा है, रिफ्रेश कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास आ रहा है आउटपुट, कोई दिक्कत नहीं है। इको की जगह आप लोग प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सिमिलरली काम करते हैं, क्या डिफरेंस है वो एक फर्दर अलग वीडियो में हम लोग देखेंगे। रिफ्रेश कर लिया, आराम से चल रहा है ये भी। अभी आप चाहें तो पैरेंथेसिस यूज कर सकते हैं फंक्शंस के लिए इको और प्रिंट के साथ, ना भी करेंगे तो भी काम करेगा। तो बिना पैरेंथेसिस तो मैंने एग्जीक्यूट किया ही था, अब मैं पैरेंथेसिस के साथ यूज कर रहा हूँ, सो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है गाइज। एंड चूंकि फंक्शंस के नाम केस इनसेंसिटिव है, तो प्रिंट को मैं कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिख सकता हूँ, आई कैपिटल कर दिया, इसके बाद पी कैपिटल रखा मैंने, बाकी सब स्मॉल है, आराम से रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्रेश पे क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल आर प्रेस कर सकते हैं रीलोड करने के लिए पेज को, या एड्रेस बार में जहाँ एड्रेस आ रहा है वहाँ पे भी आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में हम लोगों ने देखा पी एच पी क्या है, किसने बनाई थी, क्या क्या सॉफ्टवेयर हमें पी एच पी फाइल्स को रन करने के लिए चाहिएंगे, फाइल को हमें सेव कहाँ पे करना है, किस तरह से हमें उसे एग्जीक्यूट करना है। होप सो आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7742817777, इस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या इस वीडियो में आप कमेंट भी करके मुझसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।